गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का सब्जेक्ट है हिंदी। इसमें हम चैप्टर नंबर 13 गिनती पढ़ेंगे, ठीक है। इस कविता को पढ़ो और याद करो। एक महल है कितना सुंदर, यानी कि एक आ गया, यानी कि गिनती एक हो गई। दो दरवाजे हैं बड़े बड़े, यानी कि इसमें दो दरवाजे बने हुए हैं, तो एक के बाद में कौन सा नंबर आता है, दो। तीन खिड़कियाँ खुली हुई, ठीक है, इसमें तीन खिड़कियाँ हैं खुली हुई, तो यहाँ पर तीन आ गया। चार लड़के मोटे मोटे, ठीक है, तो चार आ गया। पाँच लड़कियाँ छोटी छोटी, तो पाँच आ गया। छः हैं घोड़े घास चरते, तो आपको छः गिनती है। सात हैं सिपाही, आठ हैं कुत्ते कभी ना डरते, नौ चूहे ची ची करते, दस हैं चिड़ियाँ उड़ती जाती, दाना खाती पानी पीती, ठीक है। तो ये हमें गिनती बता रहे हैं कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक है। उसके बाद में ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, यानी कि इसमें 20 तक गिनती लिखी हुई है। तो आप क्या करेंगे, इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद में एक हिंदी की कॉपी में गिनती लिखेंगे हिंदी में, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ठीक है, फिर ग्यारह बारह तेरह चौदह। तो आपको इस तरीके से, जैसे हिंदी में लिखी हुई है ना, इस तरीके से आपको गिनती लिखनी है हिंदी में, ठीक है। और उसको अच्छे से देख के लिखनी है इसमें से, बुक में से, और उसको याद भी करनी है कि किस तरीके से वो लिखी हुई है। ओके, थैंक यू।